हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हाय। तो दोस्तों, मैं हूँ घुमक्कड़ कुंदन और घूमते रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि नया साल का अवसर है, हमारे कई दोस्त लोग घूमने आ रहे हैं, यहाँ पे जागेश्वर धाम देखने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं में से हमारे सौरभ भाई और अनूप भाई यहाँ आए हैं। ये बहुत दूर कानपुर से आए हैं, ऊपर वाले की वजह से हमारे को मिलना हुआ साथ में। और उसके बाद भाई लोगों से एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, बाकी मैं अपनी बड़ाई ज़्यादा क्या करूँ। और भाई, आप जागेश्वर धाम आए, नए साल में आए, बुलावा आया, इससे पहले भी कभी आए या फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम, पहला टाइम है हम लोगों का। हाँ हाँ, और जन्नत है, जन्नत है यहाँ पर। मैं घूमा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कल से घूम रहा हूँ प्रॉपर, और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं रह जाना चाहिए भाई के साथ। मतलब इतना बेटर है, लगता है ना, आज तो सुबह उठे जैसे मैं पाला जाए देखा, एकदम बर्फ छोटी छोटी, इतना अच्छा लग रहा था देख के कि क्या क्या। उसके मंदिर में, जिस मंदिर में गए थे हम लोग, वो ऐसा लग रहा था कि अद्भुत है, मैंने देखा ही नहीं था वैसा मंदिर अभी तक। मैं प्रॉपर गया भी ना, दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने जो याद हुआ आया हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। मैं सुबह फिर दर्शन करके आया, कल तो शाम को किया कि मैंने आज सुबह भी दर्शन किया उसके बाद आकर, और फिर उसके बाद मैं वहां से निकला, फिर ये चलता चला आया हूँ मैं। और भैया मुझे घुमाते चले आ रहे, अब बस यहाँ लास्ट समय में लग रहा है, बस थोड़ी दूर हो, इसके बाद फिर भैया से साथ छूटेगा। उन्होंने कहा लास्ट एक ब्लॉग भैया का है तो अपना बना दिया जाए, बेटर अच्छा था, भैया का व्यवहार अच्छा है और सब कुछ मुझे अच्छा लगा। मतलब पूरा इसमें भैया के साथ आइए कभी यहाँ उत्तराखंड में, एक बार भैया से जरूर मिलिए विजिट के लिए, बहुत ही प्यार से घुमाते हैं पूरा उत्तराखंड। और भैया का चैनल भी है, घुमक्कड़ चंदन करके चाहते हैं, घुमक्कड़ कुंदन, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। मैंने तो लाइक कर दिया और सबसे अधिक कर। भैया हमारे हैं बहुत ही नेचर के, बहुत ही प्यारे हैं, आपको लगेगा ही नहीं, एक लगेगा कि हमारे घर के सदस्य हैं। मजा आ जाएगा आपको उत्तराखंड में, ऐसी ऐसी जगह पर घुमाएंगे भैया आपको कि आप यही कहेंगे जन्नत स्वर्ग में आ गए हैं, भगवान से मिल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आइए हमारे घुमक्कड़ कुंदन भैया के साथ, घूमिए साहब, घूमिए, आप भी आइए। और जैसे कि एक क्वेश्चन और आपसे पूछना था सर, कि क्या है कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे आप भी आए ना, एक दिन का प्लान करके आते हैं, तो क्या एक दिन इनफ है, जस्टिफाई है इस जगह को? एक दिन इनफ नहीं है, जब यहाँ पर आप एक दिन के लिए आओगे ना तो कम से कम 5 दिन तो मैक्सिमम लग जाएगा, लेकिन अगर आप आइए, अगर 5 दिन का घूमने का आ रहे हैं तो कम से कम 10 दिन कम से कम लेकर आइए। इतनी जगह घूमने के लिए कि मतलब पर्याप्त तो लगता ही नहीं कि हम इतने दिन में घूम पाएंगे, ऐसा है ही नहीं। मतलब मैं खुद रहा हूँ कल जागेश्वर, तो मैं 2 दिन टोटल आया, दूसरा दिन मुझे रहना ही पड़ गया मजबूरी। कल शाम को गया तो इतना अच्छा लगा कि नहीं आज रुक जाऊँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भाई लोग सुबह तक रुका हूँ। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण बहुत ज्यादा चीजें देख के नहीं जा रहे अभी भी, बट इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये दोबारा से आएंगे, दोबारा आएंगे, और मैं घुमक्कड़ कुंदन भैया के साथ जरूर विजिट करूंगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी जगह पर भैया घुमा देंगे कि मतलब आप पहुंच नहीं पाएंगे ऐसी ऐसी। तो जहाँ दोस्तों पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ आपका भाई, आप जो भी भैया घुमाते हैं, तो ऊपर वाले की कृपा से हम माध्यम बने हुए हैं उसका घुमाने के लिए। तो आप हमसे पीछे का व्यू दिखा देते हैं, भाई लोग बड़े मजे से खुश हो रखे हैं, और हम यही खुशी देखना चाहते हैं आपके चेहरे पे भी। हमारा काम ही यहाँ पे आप लोगों को घुमाना है, हम तो घूमते रहते हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं, और जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे दिख रही है, आप लोगों के चेहरे पे भी दिखती रहनी चाहिए। और कभी भी जागेश्वर धाम या कुमाऊं साइड आने का प्लान बना रहे हैं, या पूरा उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और हम आपके आंसर्स के लिए हमेशा तत्पर यहाँ पे हैं। आपकी सेवा का हमें मौका दीजिए, हम आपको बढ़िया से उत्तराखंड घुमाएंगे। अगर आप उत्तराखंड आए तो हमारे कुंदन भैया के साथ जरूर मिले आकर। थैंक यू यार दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा कुंदन भैया से मिलकर आपको। सर, आपको यहाँ पे 2 दिन हो गए, 1-2 दिन से आप घूम रहे हैं, आपको यहाँ के लोग कैसे लगे सर? यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, गुस्सा तो है ही नहीं अंदर। ये तो भैया से पूछिए, माल्टा खिलाया जाए सर को, माल्टे के टाइम पे आए हैं हमारे यहाँ को, इसको माल्टा कहा जाता है दोस्तों, हमारे का फेमस माल्टा। ये लो, ये भैया के साथ माल्टा का आनंद लेते हुए खाओ, तरोताजा हो जाओ। वैसे मुझे जूस की दुकान खोल लेनी चाहिए। क्यों जी? हाँ, जूस की दुकान खोल लेनी चाहिए मुझे। कैसे दाम में ये माल्टा से बंदा करोड़पति है, वो माल्टा का वो रस जूस पिला पिला के सोडा डालते हैं, एक वो शायद 30 रुपए का देता है। ये लो जी खाओ, मजे लीजिए।